बचे हुए चावल से आज हम बनाएंगे एक ऐसा नाश्ता जिसे खाना तो दूर आज से पहले आपने सुना भी नहीं होगा। तो इसे बनाना और खाना दोनों बहुत मज़ेदार है, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उबले आलू, जिन्हें बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे ताकि उनके अंदर गुठलियाँ ना रहें, और साथ में जो बचे हुए चावल हैं उन्हें ले लेंगे। यदि आपके पास चावल बचे हुए नहीं हैं तो चावल का आटा भी इसमें आप डाल सकते हैं। अब चावलों को मिक्सी जार में डाल करके मैश कर लेंगे। अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी काली मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, यदि बड़ों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च, धनिया या थोड़े से सूखे मसाले इसमें और डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इस पेस्ट को बाइंडिंग देने के लिए इसके अंदर कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर या फिर इसकी जगह आप थोड़ी सी मैदा भी इसमें डाल सकते हैं। और यदि इनमें से कोई भी सामान आपके पास नहीं है तो बेसन तो ज़रूर होगा, थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला है 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च। यदि आप आलू और चावल ज़्यादा ले रहे हैं तो कॉर्न स्टार्च की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अब सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए इसका एक हमने चिकना सा डो बना लिया है। अब हाथों को घी लगा लेंगे, ऑयल लगा लेंगे, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसकी एक छोटी सी बॉल तोड़ लेंगे। और बॉल बनाने के बाद कोई भी छोटे मुँह वाली बोतल ले लेंगे जो हर घर में इजीली मिल जाती है, और उससे इस पेड़े के बीचों बीच इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए एक सर्कल बना लेंगे। क्यों लग रहा है ना एकदम से डिफरेंट और बहुत ही प्यारा सा नाश्ता? और इसे बनाने के लिए आप बच्चों की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये सभी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। आपका काम हो जाएगा और बच्चों का एंटरटेनमेंट। इसी तरह से बाकी सभी रोल्स भी बना करके रख लेते हैं। पैन में तेल गरम हो चुका है और आराम आराम से रोल्स को उसमें छोड़ देंगे। तो इस नाश्ते का एक प्यारा सा नाम सजेस्ट करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब साइड चेंज करते हुए इन्हें क्रिस्पी होने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शैलो फ्राई करने पर ज़्यादा क्रिस्पी बनता है नाश्ता और तेल भी कम एब्जॉर्ब करता है, लेकिन यदि आप इसे डीप फ्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो सारे रोल्स बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं, कलर भी बहुत प्यारा आया है। अब इन्हें थोड़ा साइड पर करते हुए ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल पैन में ही रह जाए बाहर निकाल लेते हैं। तो बचे हुए चावल के इस क्रिस्पी से नाश्ते को एक बार ट्राई ज़रूर करना, और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।